Good morning. Today's lesson number 6, SWOT group. Last lesson में, lesson number 5 में हमने same group पढ़ा था, अब SWOT group में दोनों same sound होती है, दोनों की similar होते हैं, लेकिन इनकी जो शक्ल होती है वो अलग होती है, इनसे जो huruf होते हैं, या इनके जो अल्फाज होते हैं, वो उनके meaning अलग होते हैं. इसलिए सीन और स्वाज दोनों को हमें ये देखने की जरूरत होती है कि इनके जो अल्फाज हैं वो किस मीनिंग में आते हैं, मतलब उनका मीनिंग क्या होता है, उन्हें कैसे लिखते हैं. इस तरीके से हम इन दोनों में फर्क कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पहले स्वाद और ज्वाद. स्वाद ग्रुप में स्वाद और ज्वाद दो ग्रुप है. इसके बाद हम देखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है पहले ही कि स्वाद और सीन दोनों सिमिलर्स होते हैं, दोनों के साउंड जो है वो बहुत सेम होते हैं. स्वाद सीन सेम साउंड होते हैं. अब तो हम अलग पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब कोई अल्फाज में मैंने मिलाकर पढ़ेंगे तो इनका साउंड जो है वो सा ही आएगा. और स्वाद किसके सिमिलर होता है, जाल जे के सिमिलर होता है. तो इसमें भी वही हम उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है उसको देख सकते हैं कि फर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा हम अल्फाज कैसे लिखेंगे, जे से लिखना है कि ज्वाद से लिखना है, उसके मीनिंग से पता चलता है. अब आप यहाँ देखेंगे स्वाद और ज्वाद. स्वाद ज्वाद दोनों की शक्लें सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ डॉट का फर्क है. स्वाद क्या होता है, खाली होता है, और ज्वाद में जो है एक डॉट आता है. तो स्वाद का जो साउंड है वो सा निकलता है एस, और ज्वाद का जो साउंड है वो जा निकलता है. स्वाद और स्वाद आधा बनता है. ये हम किसी भी हुर्फ में मिला सकते हैं. तो स्वाद और स्वाद की ये आधी शक्लें हैं. देखिए यहाँ पे दिखा रखे हैं एग्जांपल, जरूर, सदर, सदा. जरूर में क्या है, स्वाद रा में मिला हुआ है, स्वाद दाल में है, स्वाद दाल में है, स्वाद जो है दाल से मिला हुआ है, स्वाद जो है वाओ में मिला हुआ है, और यहाँ पे स्वाद जो है रा में मिला हुआ है. जरूर, सदर, सदा, जिद, जूर, हाजिर. तो ये जो एग्जांपल थे आपको ज्वाइन कर दिखाए गए थे, स्वाद और स्वाद के एग्जांपल हैं. अब ये स्वाद और स्वाद रा के साथ यहाँ अलग से दिखाया गया है. जरूर स्वाद रा में मिला हुआ है, जैसे कि मैंने दाल और रा में फर्क करना बताया था. जब वो मिले होंगे तो हम उन्हें देखकर आइडिया लगाएंगे कि इसमें रा मिला हुआ है कि दाल मिला हुआ है. देखिए यहाँ पे ये साफ पता चल रहा है रा मिला हुआ है, क्योंकि रा को हम थोड़ा लंबा करके लिखेंगे जब भी उसे किसी हरूफ में मिलाएंगे. जरूर, इसरार, जरर. अब नीचे देखिए यहाँ स्वाद, मैंने भी पहले बताया था दोनों के साउंड सेम होते हैं, यहाँ लिखा भी अलग जा रहा है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, उसे देख नहीं रहे. देखने से तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कभी होता है ना कि हम सुन रहे हैं, और सुनने में हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सीम वाला स्वाद है कि स्वाद वाला, वो सीम वाला सदा है कि स्वाद वाला सदा है. तो यहाँ पे सदा इसके मीनिंग ऑलवेज है, स्वाद वाला सदा इसका मीनिंग साउंड है. यहाँ पे कोई भी जुमला हो, कोई भी ऐसे सेंटेंस हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पता लगा सकते हैं. अगर हमेशा की बात, ऑलवेज की बात हो रही है, हमेशा की, वहाँ पे सीन वाला सदा आएगा. अगर साउंड आवाज की बात हो रही है तो वहाँ स्वाद वाला सदा आएगा. इसलिए हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, जुमले के अकॉर्डिंग कि कौन सा वाला स्वाद सदा लिखना है, सीन वाला सदा लिखना है कि स्वाद वाला सदा लिखना है. इसमें इतना मुश्किल नहीं है. अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें देखकर बना सकते हैं, कोई भी मौजूदगी बुक लेकर उसमें से स्वाद स्वाद के वर्ड छांट कर लिख सकते हैं. और सिर्फ इसकी स्टार्टिंग में जो शक्ल बनाते हैं बस वही आती है, नीचे का जो ये पूरा गोल नुनू नस पूरा गोल आता है नून की तरह, ये नहीं बनाते, सिर्फ इसका ऊपर का ये हिस्सा बनाते हैं, ये वाला सिर्फ यही बनाते हैं, इस चीज को नहीं बनाते. अब नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, लेसन नंबर 7. लेसन नंबर 7 में क्या है, फे ग्रुप है. यहाँ पे टॉपिक है हमारा फे ग्रुप. तो इसमें हमारे फे ग्रुप में क्या है, दो ग्रुप है, फे और काफ. काफ जो है फे पर एक डॉट आता है, काफ पर दो डॉट आते हैं. फे की शक्ल जो होती है वो थोड़ी चौड़ाई में होती है, और काफ की जो शक्ल होती है वो लंबाई में होती है.
जैसे हम नून बनाते हैं गोल करके, वैसे ही हमारा काफ गोल कर कर बनता है और फे हमारा फैल कर बनता है, जिससे बे की शक्ल होती है। लेकिन इसमें क्या है, पर से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, ये फे है, इस पे एक डॉट आ रहा है या काफ है, काफ पे दो डॉट आते हैं, फे पे जो साइड फे भी करते हैं काफ का काफ, और ये आधे इस तरीके से बनते हैं। या देखेंगे आप एग्जाम्पल दिए में फर्क, फर्क में क्या है, फा रा के साथ है, फा आधा है, वफा फा लिफ के साथ है, फा आधा लिखा हुआ है, हर्फ इसमें फा पूरा है, काश में काफ